नमस्कार, नारद टीवी की नई श्रृंखला गुमनाम है कोई के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बॉलीवुड जगत के कुछ ऐसे सितारों की जानकारी आप सब तक पहुंचाएंगे जिनका एक समय में बॉलीवुड पर सिक्का चलता था, लेकिन बाद में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई या यूं कह लें कि किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे गुमनाम हो गए। तो वो क्या गलतियां रहीं और वो उनके करियर का कौन सा मोड़ रहा जिस पर आकर उनके स्टारडम ने उनका साथ छोड़ दिया, हम अपने इस श्रृंखला में यही जानने की कोशिश करेंगे। आजकल जब हम इन सितारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इंटरनेट पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। ये सब देखकर आप लोगों को बेशक हंसी आ रही होगी, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो इन झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो नारद टीवी की कोशिश ये है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से इन अफवाहों को दूर करें और आप सब तक जो भी थोड़ी बहुत जानकारी पहुंचाएं वो सच्ची और सटीक हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस नई पहल पर आप सभी दर्शकों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे 90 के दशक के चॉकलेटी हीरो हरीश कुमार के बारे में। जी हाँ, ये वही हरीश कुमार हैं जिन्हें आपने गोविंदा की कई फिल्मों जैसे कुली नंबर वन, आंटी नंबर वन जैसी फिल्मों में साइड हीरो की भूमिका में देखा होगा। मात्र 30 साल तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनका करियर ढलान पर आ गया था, लेकिन इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या जल्दी जल्दी फिल्में करने या फिर बिना सोचे समझे फिल्में साइन करने के चक्कर में इनका करियर खत्म हुआ, आइए देखते हैं। 1 अगस्त 1975 को हैदराबाद में पैदा हुए हरीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की हुई थी। 1979 में एक तमिल फिल्म मुदुल्ला कोडुको से इन्होंने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा। हरीश कुमार ने इस फिल्म में श्रीदेवी के बेटे की भूमिका निभाई थी। इसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा की कई फिल्मों में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। 1981 में इन्होंने एक हिंदी फिल्म एक ही भूल में रेखा और जितेंद्र के बेटे की भूमिका निभाई, और इस तरह से देखा जाए तो एक ही भूल इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद अंधा कानून, जीवन धारा, संसार, बॉलीवुड की ये कुछ ऐसी फिल्में रही जिसमें इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उस दौरान ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वाले इकलौते मेल एक्टर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनका बचपन शोहरत की बुलंदियों पर सवार रहा। 17 साल की उम्र में इन्होंने लीड हीरो के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश किया। करिश्मा कपूर के अपोजिट फिल्म थी प्रेम कैदी। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की ये पहली फिल्म थी। मेरा दुपट्टा गिर गया। जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। जो कि बॉक्स ऑफिस पर औसतन हिट रही। प्रेम कैदी की सफलता ने हरीश कुमार को बॉलीवुड में कई फिल्में दिलवाई। 1992 में फिल्म मिली तिरंगा। हालांकि इस फिल्म के हिट होने का श्रेय राजकुमार और नाना पाटेकर को मिला, लेकिन हरीश कुमार को भी इस फिल्म से काफी फायदा हुआ। लेकिन इसी बीच इन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जैसे कि जख्मों का हिसाब, जख्मी रूह, क्रांति क्षेत्र आदि, जिसका इनके करियर पर असर ये हुआ कि इन्हें आगे भी मल्टी स्टारर फिल्में ही मिल पाईं। जान से बढ़कर जानम तुझको प्यार करते हैं। इसी बीच इन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म की कोली नंबर वन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। वैसे तो इन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनमें से उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉपी रही। गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और गोविंदा के साथ इनकी फिल्में हिट भी रही। 2002 में फिल्म आई बुलंदी। रजनीकांत जैसे सितारों की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म खूब नाम करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद तो हरीश कुमार एकदम बॉलीवुड से गायब ही हो गए। 2003 में इन्होंने प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और फिल्म बनाई काश हमारा दिल
पागल न होता। और इस फिल्म का हश्र भी बुरा ही हुआ। कहा यह भी जाता है कि हरीश कुमार अपने बढ़ते वजन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मोटापे की वजह से उनका लुक पूरी तरह बदल गया। शायद ये भी वजह रही कि इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। करीबन एक दशक बाद यानी 2011 में हरीश कुमार ने बॉलीवुड में वापसी करने की नाकाम कोशिश की और इस तरह से एक वक्त पर हिंदी फिल्मों का स्टार रहा ये हीरो पूरी तरह से गुमनामी में चला गया। 2012 तक वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में ही नजर आए। 2017 में ये पर्दे पर अंतिम बार नजर आए थे फिल्म आ गया हीरो में, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। सोशल मीडिया से भी हरीश कुमार इस समय नदारद है। आने वाले समय में ये कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे, फिलहाल हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। हमारे इस नई श्रृंखला पर आपका फीडबैक क्या है, ये आप हमें डायरेक्ट हमारे फेसबुक पेज से जुड़ करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।